नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्टीमेट नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए एक जीवन सूत्र के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप सभी ने आचार्य चाणक्य की बहुत सी नीतियों के बारे में पढ़ा होगा एवं उनको जाना होगा, क्योंकि वास्तव में आचार्य चाणक्य की बताई गई हर बात जितना पहले के समय में कारगर थी उतनी ही आज के समय में कारगर है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन सूत्र में जो भी लिखा है वास्तव में वो जीवन की गहराइयों को तथा वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए तथा उन्हें अच्छे से समझ करके लिखा है, इसीलिए यह नीतियाँ आज भी उतनी ही कारगर है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि जीवन हर समय बदलता रहता है, परिस्थितियां कभी आपके अनुकूल होती हैं तो कभी आपके प्रतिकूल, सफलता असफलता का दौर सदैव जीवन भर चलता रहता है। लेकिन यदि आपके पास उचित ज्ञान है तो आप अपने मुसीबत के समय को बदल सकते हैं और उसे अच्छे समय में परिवर्तित कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नाम का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी एवं उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास नहीं होता वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र देकर ये कहा जाए कि जाओ जाकर के युद्ध करो, यदि उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो युद्ध जीतना तो दूर, वह युद्ध में एक पल भी टिक नहीं पाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर आत्मविश्वास है, भले ही उसके पास कम अस्त्र और शस्त्र क्यों न हो, किंतु वह युद्ध में टिकेगा भी और युद्ध को जीतेगा भी। आप लोगों ने भी इसके बहुत से उदाहरण अपने आसपास जरूर देखे होंगे। आप लोगों ने बहुत से ऐसे उदाहरण जरूर देखे होंगे जहां पर कुशल व्यक्ति हार जाया करते हैं और अकुशल व्यक्ति जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत होता है वह व्यक्ति अपने हर कार्य को सिद्ध करता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल होते हैं और जिन व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वह व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाया करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। यदि सूर्य की किरणें आप तक न पहुंचे तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि सूर्योदय हुआ ही ना हो। हो सकता है कि सूर्य की किरणें काले बादलों में है। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहिए, आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलेगा, और जितना देर से मिले शायद हो सकता है कि उतना ही दुरुस्त मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही।